संसार भगवान की मर्जी से चलता है, पर भगवान ने आपको थोड़ी बुद्धिमान बनाकर, बुद्धि देकर आपको स्वतंत्र कर दिया कि भाई आप अपने जीवन के छोटे मोटे निर्णय, सही गलत निर्णय लेना खुद आपको देखना है। गाड़ी तो मालिक की मर्जी से चलती है, परंतु ब्रेक कहाँ लगाना है, एक्सीलेटर कहाँ दबाना है, ये मालिक की मर्जी। मालिक ना बताएगा कि ब्रेक लगाओ क्या, भैया वो तुम ड्राइवर हो, तुम तो जानते हो चला, तुम अपने हिसाब से चलाओ। उसी तरह ईश्वर ने आपको बुद्धि दे करके, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है कि चोरी करना गलत है, आपको पता है किसी बहन बेटी को छेड़ना गलत है। जब पता है तो क्यों गलत काम किया, क्या पता नहीं था? क्या बलात्कारियों को पता नहीं होता कि ये काम कर रहे हैं वो गलत है? क्या चोर को पता नहीं होता कि जो कर रहे हैं वो गलत है? जब पता था तो क्यों किया? वो किया तुमने है तो भोगना तुम्हें पड़ेगा, भगवान थोड़ी भोगेंगे। इसके जिम्मेदार भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको अक्कल दे रखी है, सही गलत का निर्णय आप ले सकते हैं, हाँ या ना? तो संसार भगवान की इच्छा से चलता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर आप जो निर्णय लेते हैं वो आप अपने विचार से, इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। इसलिए काम करो तो विचार से करो। किससे करना चाहिए काम? आप विचार से करते हैं काम? भैया आप विचार से करते हैं काम? तो बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनों जग में होएं हंसाएं। इसलिए विचार जरूरी है। भगवान दोषी नहीं होते, हम और आप स्वयं दोषी होते। तो किस किस को बात समझ में आ गई? भगवान ने हम सबको बुद्धिमान बनाकर, समझ देकर के स्वतंत्र किया है। कुछ निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो आप अपने निर्णय आप लो ना, वो भगवान पर क्यों थोपते हैं? आपके पास तो अक्कल है ना। अब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। अब ये भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो क्या द्रौपदी की लाज भगवान थोड़ी उतरवा रहे हैं? भाई दुर्योधन के पास अक्कल थी, उसे पता था क्या सही है क्या गलत है, फिर भी देखो उसने अपने पद का दुरुपयोग किया। मेरी, अब मैं जुआ जीत गया हूं, अब ये दासी हो गई है तो कपड़े, अरे दासी हो गई है तो तुम दासी के कपड़े उतारोगे? गलत था ना। तो ये गलत निर्णय किसका था, भगवान का या दुर्योधन का? इसमें जिम्मेदार भगवान। द्रौपदी की लाज दुर्योधन ने लुटवाई तो इसमें अपराधी कौन, भगवान अपराधी या दुर्योधन? भाई जो करेगा वो ना भरेगा। तुम्हारे पास अक्कल है, सही गलत का समझ है, तो अपना लो ना निर्णय। भगवान दोषी थोड़ी हो जाएंगे। अब सीता मैया को रावण लेकर चला गया, भाग गया, तो भगवान, आप कहो कि नहीं जी भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान राम थोड़ी रावण से फोन लगाए थे कि भैया आ जा। भाई रावण बुद्धिमान था। रावण कैसा था बोलो? रावण बुद्धिमान था या नहीं बोलो? हाँ, जोर से। रावण जैसा पंडित नहीं था कोई, रावण जैसा ज्ञानी नहीं था कोई, रावण जैसा बुद्धिमान नहीं था कोई, लेकिन फिर भी उसके पास, उसको पता था ना कि पराई स्त्री का हरण करना गलत है, उसे पता था। जब पता था तो भैया तुमने क्यों किया? वो किया तो सर्वनाश होगा तुम्हारा, भोगो, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, रहा ना कोकल रो बनिहारा।